चलूं ले लूं। हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डीसी सर ने आज ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, लोगों के बीच एक पुलिस के प्रेजेंस को दिखाने के लिए आज ग्रुप पेट्रोलिंग का ये पूरा रखा है मार्च। तो हम लोग उसी सिलसिले में सर के साथ पेट्रोलिंग में जो रैली निकालने आ रहे सर, कहाँ तक रहेगी रैली? यहाँ से अभी सब्जी मंडी घंटाघर से शुरू हुई है, लाल किले तक जाएगी। अच्छा, जो आपने अवेयरनेस जॉब कर रहे हैं सर नॉर्थ दिल्ली के अंदर, क्या इस तरह से पूरी दिल्ली में इस तरह से होनी चाहिए? देखिए, हमारे ज़िले में तो डीसी सर की लीडरशिप में हो रहा है, मैं भी पूरी दिल्ली में भी होता होगा, जरूर होगा। मेरा नाम डॉक्टर सरदार खान है, मैं नागरिक सुरक्षा समिति का सदस्य हूँ और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हर साल की तरह रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है जो आज घंटाघर से लेके आज़ाद मार्केट चौक होते हुए बीजी रोड एंड लाहौरी गेट होते हुए लाल किले पहुँचेगी। हमारा मकसद ये होता है और पुलिस का भी मकसद ये, पुलिस के आला अफसरान, जिला के कन्वीनर, जिला के कप्तान मनोज मीना साहब इसमें रहेंगे और हमारे एडिशनल डीसीपी साहब रहेंगे, एसीपी साहब रहेंगे और सभी प्रशासन के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस है और 26 जनवरी आ रही है, पब्लिक और पुलिस के बीच एक अच्छा माहौल, अच्छा कोऑर्डिनेशन पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है, उसी को बरकरार करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से हमेशा एक पेट्रोलिंग का कार्य प्रोग्राम रखती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज की रैली के बारे में? मैं ये कहूँगा कि हमारे आज़ाद मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और हमारे नागरिक सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जुड़े हुए हैं, मिल के सारा कोई भी प्रोम होता है सारे मिल के प्रोम करते हैं। बाकी इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है हमारे में, क्योंकि चाहे दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हम सब मिलकर कोई भी हमारी जिम्मेवारी नागरिक सुरक्षा में देती है, हम उसके आधार पर हम काम करते हैं। आज के रैली के बारे में सर, आज जो रैली निकाली जा रही है रिपब्लिक डे को लेकर, जो अवेयरनेस किया जा रहा सदर बाजार के अंदर में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो धन्यवाद करेंगे हम दिल्ली पुलिस का, जो कि हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम रखते हैं कोई भी त्यौहार आने से। ये भी हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा, मतलब हर तरीके से नंबर वन हम इसको कहेंगे और पूरा सहयोग रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुसलमान साहब भी हैं, हम सिख हैं, हिंदू हैं, सब बात देख रहे हैं आप सारे हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग यहाँ दिल्ली पुलिस का रहता है और अच्छा अरेंजमेंट रहता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस का। हमारे पहले तो दिल्ली पुलिस को सल्यूट करने को दिल करता है, दिल्ली पुलिस अपना बहुत तमाम जितने भी सोशल वर्कर हैं और सब अपना अंजाम देते हैं और गुरनाम सिंह जी एसएचओ साहब, इनका बहुत अच्छा नेचर और सबको जोड़ना, और एसीपी साहब और डीसीपी साहब ऐसा लगता है जैसे एक परिवार है और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख ईसाई, सब में सब हम सब साथ होते हैं और हम एक परिवार हैं और भारत हमेशा आगे होगा जब परिवार बन के हम सब रहेंगे। तो हमारा यही सबसे है कि भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है और हमेशा भाईचारा कायम रहे। ये पब्लिक रैली जो है नागरिकों को और आम जनता को, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सभी को, सतर्कता अभियान के तहत चलाई जा रही है उनको सतर्क करने के लिए कि वो पुलिस से जुड़े, एक तो पुलिस पब्लिक रिलेशन बढ़िया बने और दूसरा क्रिमिनल्स को ये पता रहे कि आम नागरिक और पुलिस दोनों ही इलाके में एक्टिव हैं। आपका कहना चाहते हैं? बस इस पर ये कहेंगे जो हमारे अखिल भाई ने बताया कि इस रैली का मेन मोटिव यह है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन के रहे, एक अच्छा बॉन्ड बन के रहे। वैसे तो अलग का शुक्र है कि हमारा यहाँ पे जितना भी सिस्टम है, हम देखें अपना बड़ा हिंदू राव या सदर थाना, दोनों में से किसी चीज़, दोनों में से सारे स्टाफ की बात करें तो काफ़ी अवेयर हैं, यहाँ के लोग भी काफ़ी अवेयर हैं और हमारे इलाके में अगर क्राइम की बात करें तो वो बहुत कम है, इस बात का बहुत शुक्र है। और इस रैली के थ्रू पब्लिक और ज़्यादा अवेयर होती है, पुलिस की आँख कान बनने का बहुत बड़ा काम करती है। इसमें आप ये का देखिए, नागरिक सुरक्षा कमेटी में ये का है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे होके, सारे एक साथ मिलके ये नागरिक सुरक्षा कमेटी का राउंड यहाँ से लेके सदर बाजार, बड़ा इंदिरा हाउस सब जगह चलेगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और जैसे दिल्ली 6 के अलावा बहुत सारे जगहों पे ऐसा नहीं होता, तो ये सिर्फ दिल्ली 6 में ही मिलेगा आपको। अगर ऐसा सब जगह हो जाए तो ना कहीं हिंदू हो, ना कहीं मुस्लिम हो, ना
सिख हो न ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ सारे मिल के रहे हैं भाई भाई। ये हर साल निकाली जाती है और अब ये जो है नया साल आने वाला है, नए साल के ऊपर नए साल से बड़ा जो त्यौहार आने वाला हमारा श्री राम मंदिर का 22 तारीख को, उसकी कानून व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, ये भाईचारा देख भी रहेंगे सब समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर समाज का लोग यहाँ पे आपको खड़े हुए दिखाई दिए। यही हमारा कल्चर, यही हिंदुस्तान है हमारा, यही पुलिस हमारी बताना चाह रही है हमारे को कि हम इस पर अपना डिसिप्लिन रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें। मैसेज यही है कि हम सब मिलकर काम करते हैं और वो काम करते आए हैं, पहले से ही कर रहे थे और अब फिर और मन से कर रहे हैं ताकि हमारा 22 जनवरी का प्रोग्राम और भी जो हमारे कार्यक्रम हैं देश भर में वो सही ढंग से हो पाए, कहीं कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा, सब जैसे हम यहाँ मिल बैठ के बैठे हैं ऐसे ही पूरे देश में मिलकर बैठे हैं, यही हमारी सोच है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, धर्म कोई भी हो पर हम भारतीय हैं, हमें ये याद रखना चाहिए।